हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम. माई सेल्फ नक्षी सोनी फ्रॉम गीता ग्लोबल स्कूल. आई एम योर जनरल अवेयरनेस टीचर. तो टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस. सो वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्रिस्टल बेल. सो स्टूडेंट, दिस इज योर जनरल अवेयरनेस क्लास, सॉरी टेक्स्ट बुक. सो टुडे वी विल टीच चैप्टर नंबर नाइन गोइंग अराउंड. ठीक है, पेज नंबर 84 to 86. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक आउट पेज नंबर 84. तो नाउ दिस इज योर पेज चैप्टर नंबर नाइन गोइंग अराउंड. गोइंग अराउंड मीन्स क्या होता है बच्चों? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना. अब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए जिन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहलाते हैं. ठीक है, जैसे हम स्कूल जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, तो उसके लिए हम किस किस का यूज़ करते हैं? ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं. ट्रांसपोर्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और एक सी, एक ज़मीन पे जो हमारी रोड होती है ना उस पे चलने वाले यातायात, एक हवा में उड़ने वाले, ये मतलब एयर, जो आपने एरोप्लेन वगैरह देखे हों तो वो कहाँ जाते हैं? एयर में, स्काई में उड़ते हैं, वहाँ से वो वाले ट्रांसपोर्ट, और एक जो समुद्र वगैरह होते हैं हमारे उस पे जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, अब जैसे हमें कहीं जाना है तो अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो हम पैदल जा सकते हैं, लेकिन अगर दूर जाना है तो हम वॉकिंग करके नहीं जा सकते. उसके लिए हमें किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना होता है. ठीक है, अब वो यूज़ हमें या तो लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना होता है, या एयर का, या सी का. ठीक है, बाय लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जो हमारे रोड पर चलते हैं, जो हमारी ज़मीन पर चलते हैं. ठीक है, और ज़मीन पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? यू कैन सी सो मैनी पिक्चर्स. फर्स्ट इज कार, देन बाइसिकल, टैक्सी, मोटर बाइक, बस, ट्रक, जीप, ऑटो रिक्शा, वैन, स्कूटर, साइकिल, ऑटो रिक्शा, एम्बुलेंस, फायर इंजन, ट्रैक्टर, स्टेज, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, और टर्मिनल. ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे? लैंड पर चलने वाले यातायात हो गए. ठीक है, जो हमारे कहाँ पे चलते हैं? ज़मीन पर चलते हैं. ठीक है बच्चों, आपने सब देखे होंगे, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आप वैन का यूज़ करते हो या मोटरसाइकिल का यूज़ करते हो. जिसके पास मोटरसाइकिल होगी वो मोटरसाइकिल का यूज़ करते हैं, जिनके पास जो वैन से आता है वो वैन से आता है, जो साइकिल से आना चाहे वो साइकिल से आता है, कार. ठीक है, सो मैनी ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इनका यूज़ लैंड पर करते हैं. अब हमें बाय एयर, मतलब हवा से, हवा के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, पैराशूट, हॉट एयर बलून और रॉकेट. पैराशूट और हॉट एयर बलून में क्या अंतर? जैसे हमारे एरोप्लेन होते हैं, ठीक है, उसमें जैसे हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होती है तो ये क्या होता है, जो मेन होता है, पर्सन होता है, उसकी बॉडी पर बांध दिया जाता है और इसको वो बांधकर स्काई में, मतलब ज़मीन पे हवा की, इसकी सहायता से नीचे आ सकता है. ऐसे आप कूदोगे तो आपके लग जाएगी, तो इसकी सहायता से हम सेफली ज़मीन पर आ सकते हैं. हॉट एयर बलून क्या होता है? इसमें एक बलून लगा होता है, नीचे एक टोकरी टाइप होती है, और इस टोकरी में क्या होता है, एक एयर
टोकरी के ऊपर इस वाले हिस्से पे क्या होता है कि एयर होती है, मतलब आग जली होती है, ठीक है। उस आग से क्या है, इस पैराशूट में हवा जाती है, जैसे जैसे वो हवा इसके अंदर जाती है तो ये क्या होता है एयर में उड़ने लगता है, ठीक है। और हम यहाँ इस टोकरी में क्या होते हैं, खड़े होते हैं और इसकी सहायता से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है बाय सी, मतलब समुद्र की सहायता से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी जा सकते हैं। शिप, शिप देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं जो समुद्र में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोट, याच और कोने, ठीक है। ये क्या है, हमारे सी पे चलने वाले यातायात होते हैं, मतलब साधन होते हैं जो सिर्फ अपने ही स्थान पर चलते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन क्या पानी में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। ये शिप क्या है, सिर्फ पानी में ही चलेगा, और इसको क्या बोलते हैं, शिप बलून, सॉरी शिप ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 86। अब यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है, आपको उन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके उसके नेम यहाँ पर क्या है दिए हुए हैं, आपको ऑब्जर्व करना है कि करेक्ट वर्ड कौन सा है इस पिक्चर के लिए। तो ये क्या है बच्चों, ट्रेन। तो यहाँ पर नेम्स दिए हुए हैं तो हम ट्रेन पर क्या कर देंगे, नंबर 1 डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेट्रो ट्रेन, सेकंड नंबर, देन ट्रॉम, थर्ड नंबर बस, फोर नंबर एम्बुलेंस, फाइव नंबर जीप, सिक्स नंबर शिप, सेवन नंबर याच, एट नंबर और बोट, नाइन नंबर। इस तरीके से मैंने क्या किया, 1-1 पिक्चर्स को आइडेंटिफाई किया और उसके नाम के नीचे उसकी नंबरिंग लिख दी है। तो आपको भी इस तरीके से जो नंबर 1 पे नेम दिया हुआ है वो आपको नंबर 1 के फिलिंदा ब्लैंक्स में भरना है। तो बच्चों आपको पता पड़ गया हो कि हमारे एयर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, बाय सी ट्रांसपोर्टेशन कौन से होते हैं और बाय लैंड वाले ट्रांसपोर्टेशन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यू विल डू दिस पेज इफ योर होम, ठीक है, आप अपने घर पर इसको, इस पेज को करेंगे। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर, ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।